नमस्ते एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक शुभ्रो में। फ्रेंड्स, एप्पल की कोई अगर बराबरी कर सकता है तो वो सिर्फ सैमसंग। और आज हम सैमसंग के S22 अल्ट्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड इंडिया में लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आप लोगों को 6.8 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिल जाता है। इसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। इसका पिक्सेल डेंसिटी है 516 PPI। ये फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस के प्रोडक्शन के साथ आता है। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अब आते हैं इस फोन के कैमरा पे। इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f1.8। इसके बाद आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, जो कि है 12 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.2। इसके बाद आप लोगों को एक पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि है 10 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f4.9। ये 10x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। और आप लोगों को एक टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, जो कि है 10 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। ये भी 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। बैक साइड में आप लोगों को एलईडी फ्लैश मिल जाता है। ये कैमरा 8K 24fps तक वीडियो को शूट कर सकता है। इस फोन के फ्रंट साइड में आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल जाता है 40 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.2। ये कैमरा 4K 60fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा One UI 4.1। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे। एक सेकंड फ्रेंड्स, रुक जाइए। इस फोन के परफॉर्मेंस पे जाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पास के बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। इस फोन में आप लोगों को सैमसंग एक्सिनोस 2200 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका एक कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया गया है कॉर्टेक्स X2 के साथ, और 3 कोर आप लोगों को मिल जाते हैं 2.50 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ कॉर्टेक्स A710 के साथ, और 4 कोर आप लोगों को मिल जाते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ कॉर्टेक्स A510 के साथ। इस फोन में आप लोगों को GPU मिलता है X-Chips 920। ये फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे। इस फोन में आप लोगों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। ये फोन 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और फास्ट वायरलेस चार्जिंग आप लोगों को मिल जाती है 15W की। इस फोन में आप लोगों को रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है USB Type-C 3.2। तो अब आते हैं इस फोन के रैम एंड स्टोरेज पे। ये फोन आप लोगों को 3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। एक वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। दूसरा वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। तीसरा वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है UFS 3.1, और रैम टाइप आप लोगों को मिल जाता है LPDDR5। इस फोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं लगा सकते। इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है। अब आते हैं इस फोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस पे। ये फोन आप लोगों को इंडिया में February 9, 2022 को देखने को मिल सकता है, और इसका प्राइस होगा अराउंड 87,999 रुपीज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जरूर से कॉमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।